फ्रीक्वेंसी टेबल का उदाहरण है इस तरह से ये बनाई जा सकती है तो नॉन ओवरलैपिंग टाइप में हम देख रहे हैं कि क्लास साइज़ वही है दस का ही है लेकिन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम लोअर लिमिट को और उसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं अपर लिमिट या लोअर लिमिट किसी भी एक को अगर एक्सक्लूड करते हैं तो वो एक्सक्लूसिव मेथड कहलाता है और अगर इसको इंक्लूड करते हैं समाहित करते हैं गिनने लगते हैं उसे साथ में तो वो इंक्लूसिव मेथड कहलाता है तो उसमें हमें एक नंबर कम कर देना पड़ता है नहीं तो ग्यारह हो जाएंगे दस की जगह क्लास साइज ग्यारह हो जाएगा अब इसमें वही टैली मार्किंग से हम कर सकते हैं क्लासेस में जो जो भी नंबर बीच में आ रहे हैं उन सभी नंबर्स को रॉ डेटा में से लेकर टैली मार्किंग के द्वारा हम इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या बारम्बार निकाल लेते हैं जैसे पहले हमने डिस्क्रीट टेबल बनाई थी उसी तरह से ये टेबल भी बन जाती है सिवाय इसके कि अंतर इतना होता है कि यहाँ पर क्लासेस जो बनती हैं वो अलग प्रकार की क्योंकि डेटा कंटिन्यूस होने की वजह से हम अलग तरह से क्लासेस का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाने के लेकिन सभी केसेस में दोनों तरह से ही हमें हमेशा चाहे डिस्क्रीट टेबल बने कंटिन्यूस बने ओवरलैपिंग बने नॉन ओवरलैपिंग बने कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है फर्स्ट थिंग इज़ दैट द नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी बिटवीन फाइव एंड फिफ्टीन डेटा शुड बी कैप्ट इन असेंडिंग ऑर्डर सब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में भी रख सकते हैं एक ऑर्डर में रखना चाहिए डेटा को द width of ऑफ क्लास इंटरवल शुड numerically न्यूमेरिकली सिंपल लाइक पाँच पाँच दस पंद्रह ऐसे होनी चाहिए क्लास इंटरवल जो होगा उसका क्लास विड्थ जिसे हम कहेंगे या क्लास साइज़ जिसे हम कहते हैं जो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में नौ रखा था जैसे ये पाँच दस पंद्रह इस तरह की होनी चाहिए और क्लासेस का नंबर पाँच से पंद्रह के बीच में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्लासेस शुड बी ऑफ इक्वल साइज नहीं तो ये गलत मैसेज कन्वे कर सकती हैं इसलिए क्लासेस हमेशा इक्वल साइज़ की होनी चाहिए द हैडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट मस्ट बी क्लियरली मैंशनड सारे मेजरमेंट्स के हमें uh, सारे ये यूनिट्स लिखनी चाहिए जैसे अगर हाइट है तो सेंटीमीटर या में है या इंचेस में है एज है तो मंथ्स में है कि इयर्स में है या आरबीसी काउंट है तो वो मिलीमीटर क्यूब पर हंड्रेड एम है हीमोग्लोबिन इन मिलीग्राम्स ओ पर हंड्रेड एम ऑफ ब्लड है तो इस तरह से हमें सब चीज़ें इसकी मैंशन करनी चाहिए पूरी तरह से हेडिंग एक नो द टेबल में एक टेबल का नंबर डालना जरूरी होता है क्योंकि कई सारी टेबल्स होंगी तो फिर हम बाद में उसको कोट नहीं कर पाएंगे अपने टेक्स्ट में तो टेबल का नंबर डालें टेबल का टाइटल डालें हेडिंग होना चाहिए उसका और वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो पेपर में आराम से फिट हो जाए जैसा कि हमने आपको बताया क्लास इंटरवल भी न्यूमेरिकली सिंपल होना चाहिए ऐसे उसके नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स जो आएंगे क्लास इंटरवल के साथ साथ वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ज़्यादा नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम्स होंगे तो वो इजी टू ग्रास्प नहीं होगी आसानी से समझ में नहीं आएगी एंड ईच रो एंड कॉलम शुड हैव ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल इसमें पूरी टेबल का भी टाइटल सही सही लिखा हो क्लियर लिखा हो इसके अलावा हर एक रो और कॉलम भी बताए कि क्या बात बता रहा है जैसे सिर्फ क्लासेस लिख के छोड़ दिया नहीं क्लासेस के ब्रैकेट में हम लिखेंगे नम मार्क्स ऑपटेंट तब जाके हम उसको इस जैसे ये टेबल है तो इसमें हम स्कोर स्कोर लिखा तो हमने क्लासेस को स्कोर से जस्टिफाई कर दिया है एज़ फार एज़ पॉसिबल द फिगर्स शुड बी अप्रोक्सीमेटेड बिफोर टेबलेशन बाद में हम उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन uh, नहीं लिखे हैं जैसे अबाउट दिस इस तरह की बातें नहीं लिखेंगे एग्जैक्ट फिगर्स लिखने चाहिए आइटम्स शुड बी अरेंज इन अ स्पेसिफ़िक वे अल्फाबेटिकल हैं तो सारे अल्फाबेटिकल होंगे अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं सारे तो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग है तो टाइम के अकॉर्डिंग होंगे तो और यूनिट्स सारे की जैसे बना बतानी ही चाहिए फॉर्मेट शुड बी गिवन इफ़ नेसेसरी अगर फुट नोट्स आपके पास हैं तो फुट नोट्स जरूर लिखें कोई अगर इंस्ट्रक्शन कोई नोट देना चाहते हैं तो टेबल के नीचे उसे लिख देना चाहिए एंड एज़ फार एज़ पॉसिबल द वैल्यूज़ टू बी कम्पेयर शुड बी इन एडजसेंट कॉलम्स और रोज ताकि उनके आसानी से कंपेयर हो सके सकेजसेंट मतलब पास पास के कॉलम्स और रोज में वो चीज़ें हों जो हम जिनकी तुलना करना चाहते हैं जिन्हें कंपेयर करना चाहते हैं अगर हाँ डेटा हमारा सेकेंडरी सोर्स है सेकेंडरी डेटा है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ये बताएं कि ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया गया है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही टेबल बनानी चाहिए और ये टेबल बनाना हमारे लिए तभी सार्थक है जब इन सारे रूल्स को हम सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चलेंगे सो थैंक यू